हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है HP10 चैनल पे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। ये वीडियो मैं अपने पिछले वीडियो बम्पर क्रॉप 2020 के संदर्भ में बना रहा हूँ। उस वीडियो में मुझे बहुत ही व्यूज़ मिले हैं, तकरीबन 2400 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं पिछले 4 दिन में, और आशा करता हूं कि आपकी मेहरबानी से व्यूज़ बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। लेकिन उस वीडियो में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लिख रहे हैं, भाई कोई कोटखाई से है, उन्होंने लिखा कि आपके शायद सेब नहीं होते होंगे, अनार होते हैं, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में कोई नाजायज बात तो कही नहीं है, वही कहा है जो मैंने सुबह बिस्तरे से उठ के मॉर्निंग में फेसबुक पे देखा कि कोई बगीचे का फ़ोटो डाल रहा है और चट में घूम रहा है और लिख रहा है बम्पर क्रॉप, उसके बगीचे में फ्लावरिंग चली हुई है, वो लिख रहा है बम्पर क्रॉप 2020। पता नहीं ऐसे लोग कब सुधरेंगे, उनको कब दिमाग में जो कीड़ा है उस कीड़े से कब निजात पाएंगे। लेकिन लोगों को समझना होगा, अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे ये वायरल हो जाएगी और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, आगे दिल्ली वायरल हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, वेजिटेबल मंडी है, वहाँ से सरकार फील्ड पे तो आती नहीं है सर्वे करने, इन्हीं वीडियो को देख के सारे वीडियो को इकट्ठा करके एक रणनीति बनाती है कि शायद इतने सेब होंगे, अनुमान लगाया जाता है, जिसका फ़ायदा आगे लदानी उठाते हैं, आड़ती उठाते हैं, और हमारे सेब बहुत ही कम, यानी कि भूस के भाव 20-30 रुपए किलो बिकता है, जबकि ऑफ सीज़न में अगर आप सेब लेने खरीदोगे, कहीं भी जाओगे, अच्छा सेब आपको 500-600 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। दिल्ली जाएंगे, खुद अपना ही सेब खरीदेंगे तो 500 रुपए किलो बताएंगे आपको अपना ही सेब। और दूसरा, जो लो क्वालिटी सेब होता है, बिल्कुल जिसको हम बी ग्रेड में बेचते हैं 500-600 रुपए पेटी, वो सेब आपको मार्केट में 250-300 रुपए किलो तक मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो हम अभी शेयर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग किसानों में एक यूनिटी नहीं है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा ये लदानी उठाते हैं। आड़ती कमीशन एजेंट है, उसने तो कमीशन लेनी है सेब बेचने की, और वो भी जबकि उसका काम हमारे सेब को बेचना, प्राथमिकता देनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा नुक्स सेबों में आड़ती ही निकालते हैं। ये शिकायत लोकल मंडियों के जितने आड़ती हैं वहाँ देखने को मिलती है। अगर आप सेब लेके जाओगे, थोड़ा भी ख़राब सेब होगा बोलेगा, आप ही के मुंह के सामने लदानी के पास बोल देगा कि यह सेब होता है, जिसको देख के बहुत ही दुख होता है कि वो हमारा सेब बेच रहा है, हमारी साइड है कि लदानी की साइड है। ये शायद आप लोगों के सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ कई बार हुआ है, झगड़ा भी हुआ है आड़तियों के साथ। कभी दिल्ली मार्केट में सेब बेचना, अगर आप किसी में थोड़ी सी भी शिकायत होगी तो आड़ती आपको साइड में चुपचाप ले जाके आपका सेब आपको दिखा के बताएगा कि ये गड़बड़ है। लेकिन नहीं, रोहड़ू, शिमला, सोलन, परवाणु, इन मंडियों में तो आड़ती लदानी के सामने ही ग्रोअर को डांट देता है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है, जबकि वो कमीशन या जो भी है उसका कमा तो हमारे ही सेबों से रहा है, लदानी को तो उसने सिर्फ बेचना है। इसे साफ पता चलता है कि लदानी और आड़तियों की मिली भगत है, ये एक दूसरे को घाटे में नहीं डालना चाहते। और दूसरी बात, अभी अर्ली जून या जुलाई में सेब आ जाएगा मार्केट पे, 3000 रुपये की एक बक्सा, 4000 का, 3200 का हाईएस्ट, अभी तो बेच देंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब हाइट से सेब आएगा उनका 1000 रुपये बक्सा, 1100 रुपये बक्सा। लेकिन होता क्या है, वो बक्सा आगे जाके बिकता उतने का ही है, लेकिन हमें रेट 1000, 1100, 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये मिलता है, जितने भी हाइट के ग्रोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जबकि एक स्टेबल रेट होना चाहिए मार्केट में,
शुरू से लेकर एंड तक एवरेजन रेट, फॉर एग्जांपल 2000 1800 फिक्स कर दो सबका, उनका भी 18 बिके, हमारा भी 18 बिके, जिससे सबको फ़ायदा हो। लेकिन इसमें होता क्या है, अर्ली जून, हाँ चलो क्वालिटी अगर अच्छी है, कईयों की होती है, कई बनाते हैं, कई किसान बहुत मेहनत करते हैं, क्वालिटी बम्पर होती है, उसकी अलग बात होती है। यहाँ मार्केट में उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलता, वो उनकी मेहनत है, उनको वो डिज़र्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी साल मेहनत की हुई है। हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ग्रोअर ऐसे हैं जो हरे सेब बिल्कुल तोड़ के मंडियों में ले जाते हैं, उनके सेब भी 2000 से ऊपर बिकता है। ऐसा क्यों? और उन्हीं ग्रोअरों की वजह से बाद में कुछ ग्रोअर मरवाए जाते हैं। क्वालिटी पूरे हिमाचल में इतनी अच्छी क्वालिटी कुछ ग्रोअरों की होती है, मैक्सिमम 20% ग्रोअर की होती होगी, बाकियों के तो भूस और भूसी से मार्केट में जाता है। क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, सबको क्वांटिटी चाहिए, इतने बक्से, वो बक्सा, 100 बक्सा, 1000 बक्सा, 1500, 3000, 4000, क्वालिटी कोई देखता ही नहीं है। जबकि हम लोगों को फोकस क्वालिटी पे करना चाहिए, क्वांटिटी में कुछ रखा ही नहीं है। और अगर हम क्वालिटी को फोकस नहीं करेंगे, हमेशा यही हाल होता रहेगा। क्वालिटी पे आप लड़ सकते हो, अगर आपके आपकी चीज़ में कोई नुक्स ही नहीं है तो आप उस चीज़ के लिए लड़ सकते हो। जब आप क्वांटिटी के चक्कर में आप क्वालिटी भूल जाते हो, तब तो यही हाल होगा। और यही रीज़न है हमारे घाटा होने का। और जिनको प्रॉब्लम हो रही थी उनके लिए एक संदेश, भाई हमारे भी सेब ही होते हैं, लेकिन हम उस तरह से प्रोपेगंडा नहीं करते कि बम्पर क्रॉप 2020 ऐसा वैसा, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगली बार कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिए। धन्यवाद।